इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है मोतिहारी से, जहां अहले सुबह बेखौफ बदमाशों ने लूटपाट के दौरान एक पेट्रोल पंप के नोजल मैन की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सुबह करीब 3:30 बजे की है। घटना को अंजाम पेट्रोल लेने आए अपराधियों ने दिया। घटना डुमरिया थाना क्षेत्र के सरोतर पहल NH 27 हाईवे पेट्रोल पंप की है। सूचना मिलने के बाद घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए मोतिहारी ले गए, जहां पर उसकी मौत हो गई। पुलिस पंप के आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाल रही है ताकि अपराधी की पहचान हो सके। वहीं पुलिस ने घटना स्थल से 2 खोखा भी बरामद किया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि डुमरिया घाट थाना क्षेत्र के धनगढ़ा निवासी 52 वर्षीय दुर्गा राय माँ हाईवे पंप पर पिछले 1.5 माह से नोजल मैन से काम कर रहा था। इसी बीच सोमवार की रात्रि पंप पर ड्यूटी में था। इसी बीच सुबह करीब 3:30 बजे 2 अपराधी बाइक से आए और रूम में जबरन खुलवा कर रूम में रखे पैसा निकाल लिया। जब अपराधियों ने दुर्गा राय से मोबाइल मांगा तब देने से इनकार किया, तो अपराधियों ने गोली उनके सीने में मार दी, फरार हो गए। गोली चलने की सूचना जैसे डुमरिया घाट थाना अध्यक्ष को मिली, वैसे ही घटनास्थल पर पहुंचकर उसे इलाज के लिए मोतिहारी लाए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं ये बात जैसे ही घर वालों को मिली, दुर्गा को अपराधियों ने गोली मार दी। उसके बाद परिजन पंप पर पहुंचे, वहां से पता चला कि इलाज के लिए मोतिहारी ले जाया गया है। सभी सदर अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि डुमरिया घाट थाना अध्यक्ष सुनील मिश्रा ने बताया कि सूचना मिली कि पंप पर गोली चली है। सूचना मिलने के बाद घटना स्थल पर पहुंचकर घायल को इलाज के लिए मोतिहारी ले गया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पंप के आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाल रहे हैं ताकि अपराधी की पहचान की जा रही है। वहीं घटना स्थल से 2 खोखा भी बरामद हुआ है। कैसे, क्या घटना हुई, क्या जानकारी मिली आपको? हमको जानकारी यही मिली है कि मतलब हमारा एक तो भतीजा लगेगा, वो हमको फ़ोन किया है, हम सोए हुए थे। हमको जानकारी मिला है कि आप जल्दी कपड़ा पहनिए, क्या हुआ है? तो बोले पंप पर चलना है। पंप पर चलने के बाद में हम लोग को वहाँ पर सूचना मिला है कि मतलब गोली लगा है। गोली लगने के बाद में हम लोग मतलब गाड़ी से अपना हम लोग हॉस्पिटल में आए हैं, प्रशासन मतलब लेके आई हुई है। तो यहाँ पर आए आने के बाद में हम लोग देखे हैं कि उनका मतलब डेथ हो गया है। उनका 2 लड़का है, 2 लड़की है। 2 लड़की का शादी हो गया है, अभी 2 लड़का बाकी है। अच्छा, कौन से पेट्रोल पंप की घटना है? ये नाम तो हमको इतना माँ हाई भाई। आपका क्या नाम हुआ? माँ, हमारा नाम विनोद राय होगा। मामला जैसे कि अब वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, अब लोग तो पहचाने नहीं हुए को था उसमें। कैसे, क्या घटना हुई है, क्या जानकारी मिली है आपको? जानकारी मिली है जो हमारे पास 3:50 में 4:15 बजे के लगभग हमारे स्टाफ हमको फ़ोन किया है। फ़ोन किया था तो हम गए हैं पंप पर, तो पंप पर गए हैं तो देखे हैं जो हमारे एक स्टाफ को गोली लगा हुआ था सीने में। वहाँ 2 खोखा भी मिला है 9mm का, जो वहाँ के बड़ा बाबू निकाल लेकर के रखे हुए हैं। बाद में वो स्टाफ लोग उनसे पूछे हैं तो स्टाफ बोला है हमको जो वो लोग आया है 2 आदमी और आ करके दरवाज़ा ज़बरदस्ती खुलवा करके घुस गया है। घुस करके हम लोगों से जो पैसा वैसा था ले लिया है, और इतने में जब हम लोग कुछ भी नहीं बोले हैं अंदर में गया है, अंदर से निकल करके आया है तो हमारे को गोली चला दिया है और गोली हमको लगा है। तो फिर लोग हम बेहोश हो गए हैं, और भी देख करके जो दूसरा कर्मचारी था मैंने नर्वस हो गया है, एगो तो गोली लगा था, एगो नर्वस हो गया है। चले लोग भागा, किधर से भागा है वो लोग नहीं देखा, लेकिन उस बगल में वो कारगिल पंप है जहाँ प्रशासन उस कारगिल पंप के CCTV फुटेज को देखा है, तो उसमें दिखा रहा है जो 2 आदमी उधर से आया है, अब फिर 10 मिनट के अंदर वही मोटरसाइकिल उधर से फिर रिटर्न गया है। क्या लगता अभी तक प्रशासन वहाँ पर है, जांच चल रही है। घटना के पीछे की क्या वजह हो सकती है? घटना के पीछे तो ऐसे कोई कोई कह रहा है जो कोई पुरानी रंजिश के चलते, या फिर इस पंप को बदनाम करने के लिए लोग लगे हुए हैं जो इसे दहशत फैलाने के लिए कर रहा है, ताकि मान लीजिए जो लूटपाट करने के जगह से अगर कोई आता तो पैसा उसको मिल गया, वो अपना भाग जाता, 1-2 चमेटर कर्मचारी को मार देता, गोली मार देता, गोली मारने से वो मर जाएगा। इस तरह से करने का मतलब है कहीं ना कहीं से इसमें साजिश लग रहा है, चाहे वो हमारे तरफ से साजिश हो या फिर जो हमारे स्टाफ मारा है उसके तरफ से साजिश हो, जो लेकिन ऐसा कुछ मैंने
शंका हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ उमाकांत ठाकुर।